देखिए, माने या ना माने, लेकिन बजट का सीधा असर जो होता है ना, वो गृहिणी पर आता है। गृहस्थी चलाने का बोझ जो है कहीं ना कहीं उसी के कंधे पर होता है, और बखूबी चलाती है, चाहे आप बजट बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। ऐसे में इमली और उनकी सास के लिए ये वाला बजट कैसा है और उनकी क्या है उम्मीदें भैया कि ऐसा होना चाहिए था, आइए आपको बताते हैं। अपर्णा और ये हैं इमली। इमली और बजट आया हुआ है, सनसनी मची हुई है, कॉमन मैन और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर इसका क्या असर पड़ रहा है ये हम देख रहे हैं आजकल। डिस्कस तो क्या ही करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वक्त आजकल थोड़ा सा नरम ही चलता है। तो देखते हैं क्या करना है। आपको क्या लगता है बजट का क्या असर होगा हम कॉमन मैन पर? ये पता है मुझे कि सुंबुल को इसका प्राइस तो पता ही होगा। चलो सुंबुल बता, तुमने प्याज कितने किलो खरीदा? हाँ, अब मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता, वो मुझे इसलिए नहीं पता, वो बता रही हूँ, मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि ना जब मैं लेने गई थी तो मैंने ऐसा नहीं लिया था कि मुझे आधा किलो चाहिए या एक किलो चाहिए, क्योंकि मुझे एक दिन के लिए चाहिए था, तो मैंने दो ही उठा लिए। क्या बात है, टोटल 50 रुपए का हुआ था। सो मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्रोसरीज मैं करती हूँ, प्राइस का नहीं पता बट ऑर्डर करती हूँ, प्याज मेरे हिसाब से इस वक्त चल रहा है अराउंड 30-40 रुपीज़ अ किलो, है ना। आलू चल रहा है अराउंड, टमाटर 50 रुपए किलो है क्या? नहीं है। मेरे हिसाब से टमाटर इज अराउंड 30-40 रुपीज़ अ किलो के बीच में है, और आलू है अराउंड 28-32 रुपीज़ अ किलो के बीच में वेरी करता है। 5 रुपए में मिलती है और धनिया 10 रुपए। बेटा, तुम्हें 5 रुपए में इतनी मिर्ची कहाँ से मिलती है मुझे बताओ, मैं भी खरीदना चाहती हूँ। कहाँ मिलती है भाई 5 रुपए में? शक्कर 80 रुपीज अ किलो? नहीं, शक्कर इज अराउंड 30-40 रुपीज अ किलो। हाँ 40, डिपेंडिंग आप कौन सा। अरहर की दाल जिसको तूर दाल भी बोलते हैं, प्राइस देखेंगे जाके डीमार्ट में। मुझे पता है इसका प्राइस कितना है, क्योंकि ये इसके भी 3-4 क्वालिटीज होते हैं, तो जो क्वालिटी मेरे घर पे आती है वो अराउंड 130-140 रुपीज अ किलो होता है। आज मैंने इन दोनों की खिचड़ी बनाई है मुझे। अच्छा चलो ये बताओ सुंबुल कि ये चावल कौन सा चावल है? कोलम राइस। अरे वेरी गुड यार। अच्छा बताओ इसका प्राइस। सुंबुल बिल्कुल ग्रोसरी नहीं करती अपने घर की। 45। कोलम, हाँ कोलम 60-100 रुपीज डिपेंडिंग क्वालिटी के ऊपर, 60-100। ये वाला होगा अराउंड 60-65 रुपीज़ अ किलो का होगा ये। खुशबू से देखिए, मैं ना बहुत पहले सामान मैं घर का मैं ही लाती थी, पर जैसे मुझे अब छुट्टी मिलती नहीं है तो जब मैं जाती हूँ तो सारी सब्जी की दुकान ऐसे सब बंद हो जाती है, तो अब मुझे इसलिए नहीं पता, नहीं तो मुझे आइडिया होता। भिंडी ज़्यादा महंगी नहीं होती है ये? भिंडी बस फिलहाल तो मेरे हिसाब से 60 या 80 रुपये किलो की होती है। करेक्ट, क्योंकि हम अगर पाव या आधा किलो मंगवाते तो मुझे मालूम है मैं 20 या 40 या 45 रुपीज देती हूँ, इतना मुझे पता है। वो क्या है सुंबुल, ये बताओ ये क्या है? मेथी। मेथी की जूड़ी कितने की होती है? ये हो गया है 10 रुपए की। चुप, 10 रुपए की कहाँ मिलती है भाई? तुम अपनी सब्जी वाले का नंबर मुझे दो यार, 10
₹10 की मेथी तुम्हें कहाँ मिलती है यार? ₹10 में खरीदी तो 15-20 उससे ऊपर नहीं हो सकता। नहीं भाई ये नहीं ये इतनी सारी मेथी होगी कम से कम ₹30 या 40 की जूड़ी। ये ₹5 की पालक है। वेट जहाँ से ये मुझे इतना पता है, बाकी का पता नहीं। ये मुझे इतना पता है कि सुंबल सब्जी जहाँ से खरीदती है वहाँ से मैं खरीदने वाली हूँ। अरे सच्ची में यार ये ₹15 या ₹20 की होती है जूड़ी। नहीं ये पांच है ना। हाँ सी ₹15 की जूड़ी होती है ये। आपने कहाँ से खरीदी है? वही तो, अब हम सब लोग वहीं से खरीदेंगे जहाँ से सुंबल खरीदती है। गोरेगांव में रहते हैं अमीर लोग। धनिया तो मतलब कभी कभी तो गोल्ड के भाव बिकता है, तुम बताओ तो तुम्हें कितना मिलता है? देखो मैं ₹10 की ले लेती हूँ हमेशा, तो ये है आई गेस ₹20 की होगी। ये ना इतने से मिलता होगा तुम्हें ₹10 में? नहीं वो ₹5 का भी नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि सिंपल का सब्जी वाला बहुत अच्छा है, ये पता है मुझे। और तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं इस कॉन्वर्सेशन से। मुझे वो सब्जी वाले की शक्ल याद आ रही है जो मुझे ₹5 की। तुम जब सब्जी खरीदने जाती हो तो क्या तुम बार्गेन करती हो? ऐसे करती हूँ। उन्होंने बोला ₹50 का, वहां तो 40 का है, तो मुझे जहाँ वहां से ले लो। सबसे पहले तो यार जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं उन्हें सही करने की कोशिश करेंगे हम साथ, है ना? क्योंकि जब हर हफ्ते पेट्रोल या डीजल भराना पड़ता है ना तो नानी आ जा जितनी नानी। हाय मैं तो सबसे पहले चाहती हूँ यार फ्रूट्स बहुत महंगे बेचते हैं यार, हद महंगे बेचते हैं। और चलो ठीक है तुम संतरा अंगूर छोड़ दो, जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम्हें कीवी या स्ट्रॉबेरी खाना है उस दिन तुम्हारा वॉलेट खाली। मेरा तो एक्चुअली सच्ची में मैं वॉलेट भर के जाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं सब्जी और फ्रूट्स की शॉपिंग करके आती हूँ ना, और मेरी बेटी जो है वो तो कमाल है ना, मतलब उनको नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल लोग पेरू खाते हैं बनाना खाते हैं वो तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है वो रेड वाले ग्रेप्स। सच्ची यार खाने हैं प्लम्स, प्लम क्या वो कीवी खाना है, और स्ट्रॉबेरीज तो चलो ठीक है, वो जो रेड वाले ग्रेप्स होते हैं वो पता है ₹400 किलो मिलते हैं, ₹400 या ₹500 किलो। और उसमें से ना अगर एक भी खराब निकला ना तो मेरी दिल से जल जाता है, दिल जल जाता है। ₹40 वाले हरे अंगूर भी चलते हैं वैसे, वो भी टेस्ट। वो हरे अंगूर भी अब ₹40 के नहीं है, वो ₹40 पाव के मिलते हैं। पाव कॉमन मैन के लिए स्पेशली तो बहुत डिफिकल्ट है। तो आप लोग जो अपना घर का खर्च है वो संभाल के करें और पैसे वेस्ट मत करें। एग्जैक्टली। और कोई भी सामान लेकर आए तो चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, अगर वो खाने की चीज़ है या खाने की चीज़ ना भी हो, उसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, उसको पूरा यूज़ करें। जैसे चावल है, उनका चावल कितने छूट जाते हैं, लोग ऐसी प्लेट में छोड़ देते हैं, होटल्स में खाने जाते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना करें, वो बहुत गलत बात है। हाँ क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ये इतना सा गेहूँ और ये चावल इसे उगाने में अपनी जी जान मेहनत और पसीना खून पसीना लगा देते हैं, तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले वो ही खरीदिए जो हमारी कंट्री में बनता है, और उतना ही खरीदिए जितनी आपको ज़रूरत है, और वेस्ट ना करें, और ऐसे ही देश की खुशहाली होगी मुझे ऐसा लगता है। ABP News, आपको रखे आगे।